आ गया मैं शॉर्ट बना के। बाप रे कितनी लेट हो गए तुम, ड्यूटी नहीं जाना, टाइम तो देखो जरा। जाना पड़ा हॉस्पिटल और लेट भी हो चुका हूँ, चलो जल्दी से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज ये मेरा तीसरा दिन है ब्लॉग का, और देख सकते हैं हमारे शहर में दिन पे दिन 1 जनवरी से धुंध बढ़ती ही जा रही है। यूँ महसूस अपन थोड़ी देर हाथ रख दो ना तो इसमें पानी ओस आके आपके हाथ में जम जाएगी, इतनी ज़्यादा ठंड है। और पूरे शहर ने धुंध की चादर ओढ़ रखी है। देखते हैं आज का दिन कैसा रहेगा। और आज मेरे को एक जगह जाना था दोस्त के से मिलने, तो नहीं जा पाया क्योंकि ठंडी इतनी है, आप देख रहे हो कोहरा इतना आएगा। घर वाले ने कहा कि बिल्कुल नहीं जाना कहीं तुम्हें, क्योंकि वो थोड़ा दूर था, मेरे को 10-15 किलोमीटर कहीं पर जाना था। तो ठीक है, अब नहीं जा पाया, उसको मैंने फ़ोन लगा के बोल दिया कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो ठीक है, अब क्या करते हैं, चलो अभी उठें जाते हैं नीचे, देखते हैं नाश्ता वास्ता बनाया कि नहीं जल्दी से। अभी जा रहा हूँ नीचे, और देखो अगर नाश्ता नहीं बना हुआ तो अपन थोड़ा सा खेत सड़क घूमने चलेंगे, वहीं पर रेलवे क्रॉसिंग है, आपको वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। नीचे आने के बाद नज़ारा तो कुछ और ही है, पूरी व्यवस्था करें पापा। आप जलिए भैया अंदर, वाह ठंड का मजा लीजिए, आग जला के देख रहे हैं, आप आग जलाइए, नहीं तो कोयला ले आइए घर में, कोयला जलाइए। इस पे देख रहे हैं, इस पे इसके तरफ देख के बोलना है। हाय गाइस, ठंडा का मजा लीजिए, गरम गरम आग ही तापिए, घर भी गरम होगा, आप भी गरम होंगे। सही हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि पापा ने ये जला के रखा होगा। बहुत मज़ा आ गया भैया, आग हाँ मतलब ठंड का और आग का ऐसा मेल है कि आप रह नहीं सकते बिना आग जलाए ठंड में। तो फ्रेंड्स मैं नीचे आया और आके पता चला कि नाश्ता मेरे को ही बनाना है। इन लोगों ने आप अच्छा ऑमलेट बनाते हो और ठंड इतनी है तो ऑमलेट बनाओ, तो सबके लिए ऑमलेट बना रहा हूँ मैं। तो देखिए मैं किस तरीके से ऑमलेट बनाता हूँ और टेस्ट बताता हूँ आपको। ये मैं तो बनाऊंगा एक ही ऑमलेट, वो अब कोई भी खा ले क्योंकि इतनी देर तक मैं और भी काम है मेरे लिए यार। तो फ्रेंड्स बस इससे ज़्यादा मैं नहीं बनाऊंगा, ये लास्ट ऑमलेट है। तो ये जबरदस्ती मेरे घर वालों ने टोपा पहना दिया है, हम लोग ने नाश्ता वास्ता सब कर लिया, पापा को छोड़ने जा रहा हूँ, फिर जल्दी बैठो, चलना है अपन को, जल्दी बैठो फिर आके मेरे को शॉर्ट्स भी बनाने। आ रहा हूँ मैं भैया के यहाँ पे शॉर्ट्स बनाने, आज थोड़े लेट हो गए हैं, ठंड बहुत है ज़्यादा, तो चलिए शॉर्ट्स बनाते हैं। शॉर्ट्स बनाने हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, वो है मेरा घर और ये भैया का घर, आए जाके छत पे शॉर्ट बना रहे हैं, बस यही है। अभी हॉस्पिटल का समय हो जाएगा, बस हॉस्पिटल चले जाएंगे, 8 घंटे की ड्यूटी, फिर रात में छूटते हैं 8-9 बजे, 8-9 बजे आए, और जो दिन भर में शॉर्ट बनाए वो अपन डालते रहे, दिन भर में जो शॉर्ट बनाते हैं वो डालते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी देर में। तो चलो चलो भैया, शॉर्ट नहीं बनाना क्या भैया? ये देखो ये यूट्यूबर ऐसा नहीं सोते पल्ली अल्ली में, बहुत ठंड है भाई, मेहनत करनी है अपन को शॉर्ट बनाने। चलो एक्टिव हो भैया, शॉर्ट बनाते हैं फ्रेंड्स, आपको बीच बीच का थोड़ा बहुत। फ्रेंड्स शॉर्ट हमने बना लिए हैं और हॉस्पिटल का समय हो गया है, 20 मिनट हो सके हैं हॉस्पिटल जाने के लिए, तो जल्दी से जाके रेडी होऊंगा। आ गया मैं शॉर्ट बना के। बाप रे कितनी लेट हो गए तुम, ड्यूटी नहीं जाना, टाइम तो देखो जरा। अरे अभी शॉर्ट्स बना रहा था ना। क्या शॉर्ट्स करते रहते हो यार, थोड़ा टाइम वाइम भी तो देखो अपनी ड्यूटी का। हाँ तो बस जा ही रहा हूँ। बेबी क्या कर रहा है? बेबी की अभी मालिश हुई है और स्वेटर पहन रहा है वो। अच्छा, वो बोल रहा है डैडी जल्दी जाओ आप ड्यूटी समय पे जाया करो। तो पापा शॉर्ट्स बना रहे थे बेटा। ओ अच्छा, इतने सारे शॉर्ट्स और क्या। चलो भैया जल्दी से रेडी हो, लेट हो रहा है। फाइनली फ्रेंड्स मेरे दोस्तों मैं रेडी हो चुका हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, अब जा रहा हूँ। और पता नहीं ये लिली को क्या हुआ, बहुत देर से बंदी हुई है, क्या हो गया लिली, क्या हो गया? हाँ
खोल ले भैया, खोल ले। हाँ हाँ खोल ले। पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे हटो लिली। थोड़े और पीछे हो, और पीछे हो, बस उतना ही उतना। छोटा है ना ये। खोल दिया। ये देखो मस्ती करनी थी इनको और कुछ नहीं। ये देखो दरवाजा कैसे खोलती है ये। खोलेगी दरवाजा देखो। खोल लो, जाओ बाहर, जाओ 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 जाओ। चलो जाओ, चलो जाओ। हाँ हाँ ये देखो कैसे खोली ये। चलो भैया जाएं, बहुत लेट हो गए। चले गुन्नू, बाय पापा को कर दो। बाय बाय गुन्नू, पापा ड्यूटी जा रहे हैं। तक घूम के जाना पड़ेगा लंबे रास्ते से हॉस्पिटल। चलो फ्रेंड जाते हैं। फ्रेंड्स उसका होटल गिर रही है, वहाँ पे आने ही नहीं दे रहे पुलिस वाले। तो उस चक्कर में मेरे को बहुत कम से कम 2-3 किलोमीटर घूम के आना पड़ा हॉस्पिटल, और लेट भी हो चुका हूँ। चलो जल्दी से आ रहा हूँ मैं अंदर। अब करूँगा डायरेक्ट शाम को शूट अगर समय मिला तो हॉस्पिटल। तो फ्रेंड्स 8 बज गए, घर जा रहा हूँ। और मेरी आँख में है ना कुछ चला गया है केमिकल, एक सॉल्यूशन होता है वो डाल रहा था, एकदम से ध्यान भटका और वो आँख में चला गया। उस कारण बहुत रेडनेस सी लग रही है आँख में और बहुत ज़्यादा जलन कर रही है यार। चलो ठीक है, घर जाके सीखूंगा बर्फ़ वर्फ से। चलो तो चले, घर से भी फ़ोन आ गया। तो फाइनली फ्रेंड्स मैं घर आ चुका हूँ और रात के बज रहे हैं 11। और घर वाले अभी देखो, भैया साहब अभी तक जगे हुए हैं, नींद ही नहीं आ रही, बोल रहे पापा को आन दो पहले फिर सोएंगे। सो फाइनल फ्रेंड्स खाना आ चुका है, खाना खा रहे हैं। और किसने मुझे मेरी मम्मी ने पैसे दिए और मैं खुद भी लेके आया हूँ जहाँ मैं काम करता हूँ। बस अब मैं अच्छा MI फोन लाऊंगा। हेलो, अब कल मिलते हैं नए फोन के साथ बाजार में। ठीक है भैया, ठीक है। तो सही में वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी वो है भैया। देखो लिली लिली देखो दरवाजे, देखो दरवाजे खोलने का तरीका देखो भैया इनका। इतनी ठंड में भी हम लोग को ठंड में बिल्कुल वो दरवाजा खोला और वहां से बिल्कुल मेन गेट से ऐसी हवा आती है ठंडी, ठंड में हो जाते। लेकिन भैया उनने तो पहन लिया स्वेटर, गरम पहन के निकल लेती हैं, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं तक था। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब ओके, सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।